हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन के कॉल ब्लूटूथ प्रॉब्लम है तो ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो भी आपके फ़ोन के ब्लूटूथ की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे, नॉट कनेक्टिंग प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो आइकन्स हैं आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन हमारे फ़ोन में पहुँच जाएंगे। ओपन हो जाएंगे तो जो हमारे फ़ोन में ब्लूटूथ की नॉट कनेक्टिंग की प्रॉब्लम है सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली सेटिंग शो हो गए तो सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स हमारे फ़ोन में इस तरीके से ओपन हो जाएगी। फिर आप देखते हैं कि आपको यहाँ से ब्लूटूथ डिवाइस सेटिंग्स पे सर्च करना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही जब आप इसको ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से आपको ब्लूटूथ पे जाना है और उस पर देख सकते हैं कि इसको ओपन कर लेना। जो भी ब्लूटूथ की प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और नोटिस यहाँ से भी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपको यहाँ से बैक करना है। यहाँ से आपको जाना है ऐप सेटिंग्स पे। तो ऐप सेटिंग्स पे जाकर शी वाला ऐप्स को ओपन कर लेना है। जब आप सी वाला ऐप्स को ओपन कर लेंगे तो ब्लूटूथ की जो नॉट कनेक्टिंग की प्रॉब्लम है सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं इसे ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको सो सिस्टम ऐप्स को ओपन कर लेना है। तो सिस्टम के ऐप्स हैं जो हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो इसमें से आपको ब्लूटूथ आइकन सेटिंग्स में चले जाना है। तो ब्लूटूथ आइकन सेटिंग्स आगे इसको ओपन कर लेंगे, जहाँ से आप ब्लूटूथ का जो डाटा होता है उसको क्लियर कर देना है। इस तरीके से डाटा क्लियर हो जाएगा और जहाँ से फोर स्टॉप भी कर देना डाटा को, जिससे जो हमारी ब्लूटूथ की ब्लूटूथ प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं ब्लूटूथ नॉट कनेक्टिंग प्रॉब्लम को, और यहाँ से भी सॉल्व नहीं हो पाया सिंपली। फिर आपको सिस्टम सेटिंग्स पे जाना होगा, तो सिस्टम सेटिंग्स को ओपन करने के लिए आपको देखते हैं आपसे ऑप्शन मिल जाएगा रीसेट का। रीसेट पर क्लिक करना है, फिर इस पर जाएंगे और जो भी ऑल सेटिंग्स हैं यहाँ से ब्लूटूथ नेटवर्क की उसको रीसेट कर देना है। जब ब्लूटूथ की ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को आप रीसेट कर दोगे तो जो हमारी ब्लूटूथ की प्रॉब्लम है तो ब्लूटूथ की जो प्रॉब्लम होती है सॉल्व हो जाएगी और जो ब्लूटूथ नेटवर्क है हमारे फ़ोन में कनेक्ट होने लगेगा। तो इस तरीके से भी आप ब्लूटूथ की नॉट कनेक्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन में, और ब्लूटूथ नेटवर्क वगैरह हमारे फ़ोन में शो होने लगेंगे। तो इस तरीके से ब्लूटूथ की नॉट कनेक्टिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।